Hello everybody, my name is Ankit and I'm here to make a video on this FZ bike, which is the version 2 model launched by Yamaha. So actually, I just want to give a review and help everybody by letting you know that उस पे एक problem है कि जो FZ की bike है वो कभी कभी jerk मारती है. कुछ लोगों को मैंने देखा है ये post करते हुए Facebook पे, मेरे खुद के साथ भी problem हुई थी कि जो FZ बाइक आप जब उसको रेस देते हैं तो एक जर्क देती है. रेस देते हुए, रेस छोड़ते हुए उसमें एक जर्क आता है, एक मिसिंग, जैसे मिसिंग होती है गाड़ी में, बाइक के अंदर वो मिसिंग की प्रॉब्लम आती है या आपको ऐसा लगता है कि वो जर्क दे रही है. मतलब एक रेस जो उसका थ्रॉटल है वो स्मूथ नहीं होता, अप एंड डाउन चलता रहता है. तो इसके लिए मैंने भी काफ़ी कोशिश की थी ठीक करवाने की, बट एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है कि यामा के अंदर ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी बाइक्स में है. तो इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा. अगर आप लोग सर्विस सेंटर जाके इसे चेक करवाएंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ठीक हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो प्रॉब्लम हो सकती है वो इसमें एक RR यूनिट होती है, ठीक है. RR यूनिट मतलब जो आपकी बैटरी वगैरह जो होती है वो चार्ज करती है. तो वो आप एक बार चेक कराइए कि RR यूनिट में कोई इशू तो नहीं है. दूसरा, इसके अंदर एक CDI होता है जिसको हम इंजन कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जो पूरी बॉडी का जो मैकेनिक है, मैकेनिज्म है, जो हमारी बाइक का जो फंक्शनैलिटी है, एयर क्वालिटी, एयर फ्यूल मिक्सचर और फ्यूल कितना लेगी गाड़ी, वो सब जो मैनेज करती है उसको CDI कहते हैं. उसको एक बार आप चेक कराइए, ठीक है. ये सब इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इसको आप चेक कराइए. थर्ड एंड फोरमोस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका फ्यूल इंजेक्टर. फ्यूल इंजेक्टर कई लोगों ने साफ़ भी कराया होगा, कई लोगों ने इसको क्लीन करवाने के बाद चेक कराया होगा, बट शायद वो ठीक नहीं हुआ होगा. तो आप एक काम करें कि क्लीन कराने के बजाय उसको आप रिप्लेस करा के देखें, फ्यूल इंजेक्टर नया लगा के देखें, शायद गाड़ी आपकी जो जर्किंग की प्रॉब्लम है उसमें मिसिंग जो देती है वो ठीक हो जाए. तो ये तीन चीज़ें हैं, फ्यूल इंजेक्टर, उसमें एक RR यूनिट होती है और आपका CDI. ये तीन चीज़ें हैं, या तो आप इनको चेंज करा लें या इसको आप चेक करा लें. मेरे पास जो बाइक थी उसमें इशू यही था सेम, कि वो एक स्मूथ थ्रॉटल पे चलती नहीं थी और मैंने उसमें बहुत चीज़ें ठीक करवाई बट वो हुई नहीं. उसके बाद मैंने जब उसका फ्यूल इंजेक्टर ठीक करवाया, जब रिप्लेस करवाया, तो वो ठीक चल रही है. और इसके अलावा मतलब जो ये प्रॉब्लम जो थी मेरी बाइक में स्टार्टिंग से ही थी, बट शुरू में मुझे इतना पता नहीं लगता था. जब थोड़ा टाइम बाद मुझे लगने लगा कि ये एक इशू है इसमें, और ठीक कराते कराते कई महीने निकल गए बट वो ठीक हुआ नहीं. एंड में जाके उसके फ्यूल इंजेक्टर से काफ़ी फ़र्क आया. तो ऐसा हो सकता है कि पार्ट ख़राब हो, क्योंकि यामा की बाइक्स में होता है ऐसा यूजुअली कि कुछ ना कुछ इशू रहता है बाइक के अंदर. इससे पहले एक FZ RR इनकी एक बाइक आई थी, नया मॉडल जो आया है, उसके अंदर एक कपलर की प्रॉब्लम थी जिससे कि बैटरी चार्ज नहीं होती थी, चलते चलते बाइक बंद हो जाती थी, उसके बाद स्टार्ट नहीं होती थी, नीदर फ्रॉम दिस सेल्फ नीदर टेकिंग इट फ्रॉम द किक. तो वो स्टार्ट नहीं होती थी बाइक, उसके साथ भी बहुत इश्यूज हो गए हैं. तो उसमें एक कपलर की प्रॉब्लम थी. उसका कपलर एक पार्ट होता है छोटा सा, बैटरी में अटैच्ड होता है, उससे बैटरी चार्ज होती है. वो पार्ट कुछ ख़राब था या ब्रोकन था या कुछ था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था पीस में, उसकी वजह से बाइक बंद होती थी बार बार. तो वो भी लोगों ने रिप्लेस करवाया, काफ़ी लोगों ने. तो ऐसी चीज़ें बाइक की प्रॉब्लम रहती हैं, नो डाउट. FZ बहुत अच्छी बाइक है. सो अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार जाके चेक करवाएं, ये तीन चीज़ें हैं. एंड अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगती है वीडियो, समझ में आती है, आपको लगता है कि कुछ यूज़फुल है इसमें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं. अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं इस रिगार्डिंग. अदरवाइज़ मुझे इतनी नॉलेज नहीं है बाइक्स की, आपको कोई और इश्यूज़ होंगे बाइक में बट मैं शायद ना हेल्प कर पाऊँ. बट हाँ, ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको आप चेक करवा सकते हैं. एंड अगर वो ठीक हो जाए तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, अगर नहीं होता है तो भी बताएं. और कुछ हो सकेगा, अगर नहीं बाइक ठीक होती तो मैं दोबारा आपकी हेल्प करूँगा. ओके, थैंक यू, लव यू, बाय.